जैसे ही गली में आया तो मुझे हमारे साथ में रहते तृप्ति, उन्होंने उनकी मम्मी ने तू तो बड़ी डैल मार रहा था, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा आज। जब नूर व्लॉग्स ओए रेड तेरे पीछे स्वांड पड़ जाएगा, बताओ तू रेड कपड़े पहने तेरे पीछे स्वांड पड़ेगा, देखियो। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे होगे। तो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले ही उठते मैंने अपने हेयर में लगवाया है ऑयल और करवा ली है जूड़ी। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने, तो अब मैं जाता हूँ नहाने, तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। टाटा बाय बाय। सो गाइज, आई एम बैक। अभी मैंने नहा लिया है, अभी मेरा बैग भी रेडी है, अभी मेरा लंच भी रेडी है और मेरी वाटर बॉटल भी रेडी है और मैं भी रेडी स्कूल जाने के लिए। आप रेडी हो? यो मम्मी कह रही तूने मुंह धोया है। क्यों? मैं पूरा नहा के आया हूँ। आधा नहीं नहाते, पूरा नहाते हैं। पूरा नहाते हैं। तो आज से मेरी छुट्टी होगी 1:40। जब पेपर थे तो होती थी 11:30 ना, 11:30 होती थी ना पापा, मैं तो भूल ही गया दो दिन में मेरी छुट्टियां कब होती थी। तो चलते हैं स्कूल। आप चल रहे हो? तो जप्पो को छोड़ के आया तो यहाँ पे लेके आया मैं गर्म गर्म पूड़ी, ये रही सब्जी, ये है बेदवी पूड़ी हरलीन के लिए। तो जैसे ही गली में आया तो मुझे हमारे साथ में रहते तृप्ति, उन्होंने उनकी मम्मी ने बताया कि आज है रिक्शों की स्ट्राइक और रिक्शे हरलीन को बोलना कि टाइम सर चले जाएंगे जप्पो को लेने के लिए, रिक्शे नहीं मिलेंगे। और ये बात अगर मुझे पहले पता तो मैं जप्पो को भेजता ही नहीं। तो अब ये बड़ा बहुत बड़ा टास्क है कि हरलीन जप्पो को कैसे लेके आएगी। मैं पैदल चले जाऊंगी, इतनी भी दूर नहीं है स्कूल। वैसे तो रैपिडो बुक हुई थी पर वहां से रैपिडो को पता नहीं चलेगा ना जप्पो को। मैं पैदल ले आऊंगी। चलो देखते हैं फिर दोपहर को आज क्या सीन बनता है, कैसे आता जप्पू, आप जरूर देखना। A few hours later. ओ ओ ओ ओ ओ हेलो, पागल हो क्या कराते ही? ओ ओ ओ ओ गिर जाएगा मोटे, क्या करी जा रहा है? जब तू ही व्लॉग शुरू करके गया था ना, और देख जब तू आया अभी व्लॉग बना रही, मैंने बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया। सिलाई किस लिए कड्डी आ? आंदे आंदे फैशन शो च। सो गाइस, मैंने नहा लिया है और मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस नहा लिया मैंने, मेकअप करने का मेरा मन नहीं था। आज मैं जप्पू को स्कूल भी नहीं लेने गई बिकॉज आज हमारे यहाँ पे ना रिक्शों की स्ट्राइक है, सारे रिक्शा बंद है। इन्ना क्यों चिल्ला रहे आंटी हैं, क्यों इन्ना गला फाड़ रहे हैं? बंद बंद बंद। किस लिए गला फाड़ रहे हैं इन्ना? बंद। तो आज रिक्शे बंद थे इसलिए मैं जप्पू को स्कूल लेने नहीं गई। अर्शदीप के पापा जप्पू को स्कूल से लेके आए हैं क्योंकि वो बाइक पे गए थे अपने बच्चों को लेने, तो जप्पू को भी ले आए साथ में। मैंने उनको कॉल कर दी थी और सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मेरा मूड खराब था सुबह से। डुगू से सुबह सुबह मेरी लड़ाई हो गई किसी बात पे और वो कुछ पर्सनल है तो बताना, मतलब व्लॉग में नहीं बताना। पर मैं बहुत फेयर हूँ आप लोगों के साथ, तो इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि मेरी डुगू के साथ लड़ाई हो गई थी इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया। और सुबह डुगू ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए आज, और वैसे भी वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, सब्जी लेके गए थे राजमा की, कहते मेरे को सब्जी दे देना। वो लड़ाई होने से पहले की बात थी, कहते मुझे सब्जी पैक कर देना, हम लोग पराठे मंगाएंगे दुकान पर राजमा के साथ। तो वो मैंने पहले से सब्जी पैक कर दी थी और क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट डुगू ने करा नहीं, वैसे भी नहीं करके जाते नॉर्मली। तो सुबह सुबह हम लोगों की लड़ाई हो गई, उसके बाद से मैंने डुगू को फ़ोन करा नहीं। फिर उसके बाद अभी हमारी सॉर्टेशन हो चुकी है, अभी टाइम क्या हो गया जब्बू? 1:40 हो चुके हैं। हाँ, तो उससे पहले पहले हम लोगों की सॉर्टेशन भी हो चुकी है, लड़ाई हुई थी पर सॉर्ट हो गई है। इतनी कोई घमासान लड़ाई नहीं होती कि हम लोग इतने दिनों तक बात ही नहीं करते। जितनी भी लड़ाई हो जाए उसको मुझे लगता है हम लोगों को रात को सॉर्ट करके सोना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे किसी का क्या हो कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसको उसी दिन पर ख़त्म कर लो। तो हमारी तो वैसे भी ज़्यादा नहीं चलती, 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, बस इतनी चलती है। तो इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने जब डुगू को बोला था, मैंने कहा जप्पू को स्कूल चले आना, कहते हरलीन कि कोई कस्टमर होगा कुछ होगा, तो फिर मैंने इसलिए अर्शदीप के पापा को बोल दिया था। और आज भी रिक्शों की स्ट्राइक है, कल भी रिक्शों की स्ट्राइक है, कल भी देखो अर्शदीप के पापा को ही बोलूँगी, वेंसडे होता तो डुगू ले आते जाके। तो अभी जप्पू घर पर आ चुका है, राजमा बने हुए हैं, राइस बनाऊँगी साथ में। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया ना डुगू ने किया, लंच हमने करना है, भूख लगी अब बड़ी तेज वाली। ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच तो लेके गया था ना नंगू पुंगू। ये देखो जप्पू का स्टाइल, कच्छू और कच्छू बनाने वाले बच्चे। तो चलो मैं फटाफट से बनाती हूँ राइस, और आज से मेरी ट्यूशन भी स्टार्ट है। मैंने बच्चों को सबको, अर्शदीप दे पापा चंगी तरीके ना एवे हड्डियां तोड़,
किसके? उनकी हड्डियां तोड़ तोड़ के भेजेंगे। पापा कह रहे आज मैम ने बुलाया कोई नहीं जाएगा, तू आज ही। तो कह रहा मेरे को पीछे पीछे कह रहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं आज, मैंने कुछ कराना है कुछ कराएंगे क्या? अरे मैं तो बिना बैग के आ जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। पर उसकी मम्मी अच्छी तरीके से उसकी ना डंडे मार के ना अच्छे से फिर भेजेंगी उसको। 3 दिन छुट्टी पे थे तभी भी इनका दिल नहीं भरता, जितनी मर्जी छुट्टियां करवा जब आएगा ना तब व्लॉग बनाएंगे कि वो बोल रहे थे। हां तू ही बनाइयो कि क्या हो गया भाई, तू तो कह रहा था मैं ट्यूशन आना नहीं। चलो ठीक है गाइस, हम दोनों की गपशप खत्म नहीं होती। मैं बनाने जा रही हूँ राइस क्योंकि भूख लगी है। तू तो बड़ी डैल मार रहा था मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा आज। बस निकल गई जप्पू के सामने, बड़ी डैल मार रहा था मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा आज। हैं मजा आया अब ट्यूशन? तो तेरे को तो भी आना पड़ा, क्या फायदा हुआ इतनी डैल मारने का? अभी जप्पू सो गया, वो देखो अगर जप्पू उठा होता ना तो वो तेरी क्लास लगाता अच्छे से। हाय अरिश्नूर, ओह तोड़ो अपना फोन रज के, क्या करा 3 दिन छुट्टियों में? मजे करे, गेमें खेली। तू तो पापा के पास ही बैठा रहा होगा, हिला ही नहीं होगा वहां से। वेरी गुड। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस मेरी थोड़ी अभी गुड इवनिंग क्योंकि मैं तो गया था सो। जो मैं सुबह 5 बजे उठ रहा था, मैंने बड़े टाइम के बाद अपनी नींद पूरी करी है। सैटरडे संडे जो था ना उसमें तो पता नहीं मैं सुबह जल्दी उठ ही जाता था। जब छुट्टी होती है ना तब तो नींद जल्दी खुल जाती है, और जब छुट्टी नहीं होती ना तो नींद आ रही होती है। तो कल है मेरा वैदिक मैथ्स का पेपर, और मम्मी को आती नहीं है वैदिक मैथ्स, तो मम्मी ने यूट्यूब खोला, उसके ऊपर लिखा वैदिक मैथ्स की ट्रिक बताओ, तो ट्रिक देख देख के मम्मी ने वैदिक मैथ्स सीखी, उसके बाद मेरे को करवा दी। और अभी ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं। मम्मी मम्मी आपको नहीं आती थी ना वैदिक मैथ्स? बिल्कुल भी नहीं, जरा से भी नहीं आती थी। तो थोड़ा बहुत मम्मी को आता था, थोड़ा बहुत मेरे को आता था। तो अभी तैयारी हो चुकी है, वैसे तो मेरे पेपर ख़त्म हो ही चुके हैं। इस सब्जेक्ट के बस मेरे मार्क्स ही लगते हैं, बाकी और कुछ नहीं लगता। हेलो गाइस, यहाँ पे चल रहा है समोसों का डिस्कशन, और जप्पू ने 4 समोसे खा लिए हैं। 10 के 4 वाले ना, यही काम कर ले जप्पू तू। डुबू आए थे अपने लिए मेडिसिन लेने, हम मेरी सिस्टर की गली के बाहर से ही लेते हैं डॉक्टर केशव से दवाई, है ना, हमारा फैमिली डॉक्टर बन गया अब तो वो, है ना डुबू? किस चीज़ की दवाई ली ये तो बता दो, मुझे कुछ नहीं पता। जुकाम कब हुआ आपको? ये देखो अभी भी ये बाहर समोसे लेने के चक्कर में है। सो गाइज अभी हम घूम फिर के आ चुके हैं घर पे, और जो सुकून इस बेड पे मिलता ना रात को लेट के वो कहीं नहीं है। पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाती है, जितने मर्जी थके हो जो कुछ मर्जी कर रहे हो पर पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाती है बेड पे आते ही। और आज ट्यूशन पढ़ाई तो आज थकावट भी है थोड़ी बहुत, और बहुत मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई है सब बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मैथ्स करवाया मैंने आज, और मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया करवाने में, और बच्चे भी इंटरेस्ट लेके कर रहे थे। तो अभी जप्पू और डुगू आपस में पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन करने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो? दवाई खा रहा हूँ। डुगू को कोल्ड हो गया, तो डुगू थोड़े इरिटेट हो रहे हैं, डुगू का दिमाग खराब हो रहा है। तो जप्पू को यहाँ बिठा के जप्पू से पूछते हैं अपनी गेमिंग चैनल वाली वीडियो को कैसे एडिट करता है, किसी ने पूछा है बता देते हैं। वैसे तो ब्लॉग बनाता ही नहीं है और ना ही गेमिंग वाली चैनल पर कोई वीडियो डाल रहा है, इसको फोन देखने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगा ना। जपनूर व्लॉग्स, ओए रेड तेरे पीछे सांड पड़ जाएगा। बताओ तूने रेड कपड़े पहने, तेरे पीछे सांड पड़ेगा, देखियो। तो मुझे बता तो किसने पूछा गेमिंग चैनल पे वीडियो कैसे डालते हैं? अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है आई मूवी, वो एप्पल खुद डाल के देता है। तो आई मूवी सॉफ्टवेयर आता है, वहां से मैं एडिट करता हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो काइन मास्टर बहुत अच्छा ऐप है। अच्छा हंस क्यों रहा है? मैं हंस रहा हूँ। हंसी रहा हूँ और क्या कर रहा है? मैं हंस रहा हूँ। काइन मास्टर से एडिट करता हूँ, और अगर कोई म्यूजिक या कुछ ऐसा मैं आई मूवी से करता हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप काइन मास्टर से कर सकते हो, दोनों की सिमिलर क्वालिटी है। अच्छा सिमिलर क्वालिटी है, और अगर उसके अंदर कोई इफेक्ट या कोई म्यूजिक या ऐसा कुछ पर डुगू ने मैं शोर भी मचाना ही मचाना है ना, दोनों पे पुत्र पागल ने अभी भी बंद नहीं कर रहे, देख लो पैकेट शोर मचा दिया पूरा। तो तू किस लिए पिल्लों से खेलना शुरू हो गया है? मेरे को गर्मी लग रही है। सुबह तेरे वैदिक मैथ्स का पेपर है ना, तैयारी है तेरे को? सो के उठा मुझे कहता वैदिक मैथ्स करा दो, जल तक चपेड़ मारा मुंह तक खिंच के। अगर आपको भी तो पता था
मुझे पता ही नहीं था। अच्छा कल से बोलते आ रहा हूँ कि मेरा वेदिक मैथ्स का 1 अक्टूबर को पेपर है, 1 अक्टूबर को पेपर है। पर तूने मुझे ये तो नहीं बताया ना मम्मा आपने करवाना है। आपने तो करवाओगे वेदिक मैथ्स? मेरे को खुद ही नहीं आता, तेरे को कहाँ से कराऊँ वेदिक मैथ्स? आपको तो फ्रेंच भी नहीं आती थी। फिर मैंने तो नहीं कराई, नैना बुआ ने कराई थी ना। अब वैकस को ढूंढो कहीं टीचर। गाइस हमारी देखो ये वाली वॉल कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, ये बस अब रिपेयर होने वाला हमारा ऊपर वाला रूम ना। अब ये पूरा ऊपर कहाँ लेट रहा खड़ा तो भाई कहाँ लेटी जा रहा, क्या कर रहा है? तूने बता दी पूरी गेमिंग चैनल कैसे वो वीडियो अपलोड करनी है, अगर किसी ने इफेक्ट्स और किसी ने वो तो दोनों में ही आते हैं उसमें, मतलब अच्छा उसमें इफेक्ट्स वगैरह सब उसी में आते हैं, सब आते हैं। मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे नहीं आती ना, इस करके मैं इससे प्रॉपरली पूछ रही हूँ। और कुछ तो नहीं करते, बता दे कुछ और करते हैं और तो। कुछ नहीं करते, पहले वीडियो पूरी वो कर ली, पहले सारी वीडियो को सिलेक्ट करा जो जो आपने वीडियो बनाई है। हाँ। अगर एक वीडियो बनाई है तो वो डाल दो। अगर जैसे आप ऐसे वीडियो बनाते हैं, जैसे हम लैपटॉप पे गेम खेलते हैं तो लैपटॉप के अंदर जो रिकॉर्ड हो रहा होता है, अगर आपने दोबारा से वॉइस डालनी है तो उसके अंदर दोबारा से भी वॉइस डाल सकती है। अगर जब आप गेम खेल रहे हो तब भी वॉइस डालनी है तो आप साथ में एक फोन रखो, उसके अंदर रिकॉर्डर ऑन करो, और जब आप वीडियो एडिट करोगे तो उसको रखना, और जो वो आपने वॉइस रिकॉर्ड करी है उसको उस पर डाल देना, फिर वो ऐसे पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोई इफेक्ट भी डाल ले तो वहाँ से भी हो जाते, फिर सेव कर लेना, फिर यूट्यूब पर जाके न्यू वीडियो पर जाके अपलोड कर देना। जितनी क्लैरिटी ना लेने वीडियो अपलोड करना से दसी ना, इतनी क्लैरिटी ना लेने क्वेश्चन नहीं याद होने। क्यों क्यों सुन लो, याद होते तेरे को ऐसे क्वेश्चन? हाँ जी पापा मेरे को याद नहीं होते क्वेश्चन। पापा को तो वैसे ही टूट फूट के, पापा को तो खुद नहीं इंग्लिश आती, तेरे से क्या सुनेंगे। पापा को आती है ना इंग्लिश। तो जप्पू ने आप सबको बता दिया है कि वो कैसे व्लॉग एडिट करता है, और यहाँ पर साथ ही साथ जप्पू को प्यासे भी चढ़ गई हैं। बेचारा बता बता के थक गया ना कि अब हाँ मुझे प्यास लग गई है, गला सूख गया इसका, है ना आंटी जी, मुझे यार कल भी रिक्शों की स्ट्राइक है, और मैं कल भी मुझे अर्शदीप के पापा को फोन करके बोलना पड़ेगा कि जप्पू खुले आना, है ना। होगी तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो कल आज तो मैं जप्पू की छुट्टी करवा सकती थी, कल तो मैं जप्पू की छुट्टी भी नहीं करा सकती क्योंकि इसका पेपर है मॉर्निंग में, है ना। ढंग से पेपर करके आई हो तो ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू। देखो मैंने अपने हाथ पे टैटू बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।